और चलिए इसी बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। मौसम को लेकर यह अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जहां पर उत्तराखंड के 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। टिहरी, हरिद्वार, पौड़ी में बारिश का अलर्ट है। इसी के साथ अगर बात करें तो नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में भी अलर्ट यहां पर मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। साफ तौर पर राज्य के सभी पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, पहाड़ी जिलों के लिए बारिश को लेकर फिलहाल आशंका जताई गई है मौसम विभाग की तरफ से, और अलर्ट जारी किया गया है। समय रहते तमाम व्यवस्थाओं को सुधारा जाए, पुख्ता की जाए, वो टिहरी हो, हरिद्वार हो, पौड़ी हो, बागेश्वर हो, चमोली हो, चंपावत हो, इन सभी जगहों पर फिलहाल बारिश लगातार राज्य में बनी हुई है। और इन बारिश के चलते लगातार अलग अलग तरीके की दुर्घटनाएं भी राज्यों में, अलग अलग जिलों में सामने आती है, वो चाहे भूस्खलन के तौर पर हो, वो सड़कें बंद होने के तौर पर हो, और ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसी समस्याएं ना हो, इस तरीके से यहाँ पर ये आशंकाएं मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है, ताकि समय रहते तमाम व्यवस्थाएं की जा सके, सावधानियां रखी जा सके। जिसको लेकर आपको बता दें कि फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से राज्य के खास तौर पर 6 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले कुछ घंटों में इसी तरीके से बारिश का माहौल राज्य के इन जिलों में रहेगा। साफ तौर पर मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी दी गई है, अलर्ट रहने के लिए कहा गया है तमाम एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमों को भी, ताकि समय रहते किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके। तो फिलहाल आपको बता दें कि उत्तराखंड में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। लगातार मॉनसून की दस्तक के बाद से ही पहाड़ से लेकर मैदान तक इस समय बादल बरस रहे हैं। राजधानी देहरादून समेत तमाम पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर, जिलों के अंदर भी बारिश बनी हुई है। मैदानी इलाके भी इससे अछूते नहीं है, रुक रुक कर वहां भी बारिश हो रही है, और इसी बारिश के हालातों के चलते फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। कार्य आप तक पहुंचाने के लिए मौसम को लेकर इस समय क्या कुछ स्थितियां राज्य के अंदर बनी हुई हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ अलग अलग जगह से जुड़ गए हैं। राजधानी देहरादून से हमारे साथ अपडेट देने के लिए हमारे संवाददाता मौजूद हैं, और इसके अलावा भी अलग अलग जगहों से आप तक इस समय मौसम की स्थितियां क्या कुछ राज्य के अंदर बनी हुई है वो आप तक पहुंचाएंगे। तो साफ तौर पर इस समय उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से हमारे साथ उपेंद्र सिंह राणा जुड़ गए हैं। उपेंद्र, क्या कुछ स्थिति इस समय राजधानी देहरादून में बारिश को लेकर बनी हुई है, और इस समय हरिद्वार से भी हमारे साथ हमारे संवाददाता राजकुमार पाल जुड़ गए हैं, संदीप कुमार हमारे साथ जुड़े हैं चमोली से, और इसके अलावा उत्तरकाशी से भी हमारे संवाददाता महावीर सिंह राणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र, इस समय राजधानी देहरादून में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, बारिश रुक रुक कर हो रही है, क्या कुछ हालात इस समय मौसम के कहे जा सकते हैं? बिल्कुल, देखा जाए तो 8 जिलों को लेके जो एडवाइजरी है मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है, साफ तौर पर देहरादून समेत नैनीताल, चंपावत, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार में संभावना है भारी बारिश की। और ऐसे में अगर हम देखें तो सुबह के समय हल्की जो बारिश है राजधानी देहरादून में देखने को मिली है, और ऐसे में जिस प्रकार से मौसम विभाग ने जिस प्रकार से संभावना जाहिर की है बारिश को लेके, ऐसे में प्रशासनिक अमला जो है वो सक्रिय हो चुका है। साफ तौर पे ये कहा जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से कि भारी बारिश की वजह से जो नदियों का जलस्तर है वो बढ़ने वाला है। ऐसे में गंगा, कोसी समेत प्रदेश की तमाम जो नदियां हैं वहां जलस्तर बढ़ने की वजह से आसपास रहने वाले बस्तियों के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है। ऐसे में सभी जिलों के जिलाधिकारियों को एडवाइजरी दी गई है कि नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया जाएगा। तकरीबन 200 मीटर की दूरी में नदी किनारे कोई भी व्यक्ति न रहे, इस तरह की एडवाइजरी दी गई है, जिसके बाद से जो पुलिस मुख्यालय की तरफ से भी एडवाइजरी दी गई है, और ऐसे में एसएसपी की तरफ से सभी जिलों में कहीं ना कहीं ये एहतियातन जो संबंधित क्षेत्र में थाने हैं उनको कहा गया है कि लाउडस्पीकर के माध्यम से नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया जाए कि वो नदी नालों से तकरीबन 200 मीटर की दूरी बना लें, क्योंकि भारी बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। और ऐसे में देखा जाता है हर वर्ष बारिश की वजह से कहीं ना कहीं नदी नालों के किनारे रहने वाले लोगों को सबसे ज्यादा जो परेशानियां, दिक्कतें हैं वो उठानी पड़ती हैं, और ऐसे में कई बार बड़ी घटनाएं भी हो जाती हैं। ठीक है। ऐसे में अगर हम देखें पहाड़ों में कई सारी ऐसी नदियां हैं, नाले हैं, गदेरे हैं, जिनके करीब
कहीं ना कहीं मकान और बस्तियां बसी हुई हैं उनको लेके विशेष तौर पे निगरानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं खास तौर पे। और ऐसे में भारी बारिश की वजह से साफ तौर पे ये पर्यटकों के लिए, चारधाम यात्रियों के लिए हिदायत दी गई है मौसम विभाग की तरफ से कि बारिश होने की स्थिति में वो सुरक्षित स्थान पे रुके रहें और मौसम साफ होने पे ही यात्रा को पुनः चालू करें। बिल्कुल, तमाम एहतियात फिलहाल बरतने की जरूरत भी है राज्य के अंदर, क्योंकि जगह जगह से जो भूस्खलन की खबरें हैं वो भी निकलकर सामने आई है ज्ञानेंद्र। और महिपाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस समय हरिद्वार से। फिलहाल देखिए, अगर बात करते हैं महिपाल, तो इस समय उत्तरकाशी में क्या कुछ स्थिति आप देख रहे हैं और क्या कुछ इस समय बारिश के हालात बने हुए हैं? चारधाम यात्रा वहां पर चल रही है, क्या कुछ यात्रा में भी रुकावट देखी जा रही है मौसम के चलते? महिपाल तक आवाज मेरी नहीं पहुंच पा रही है। राजकुमार, आपके पास हम आते हैं। देखिए, हरिद्वार से हमने तस्वीरें देखी थी जिसमें कई फीट तक जो जल स्तर है, जल भराव है, वो दिखाई दिया था। आम लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में कांवड़ यात्रा भी प्रारंभ होनी है, तो क्या कुछ इंतजाम इस समय दिखाई दे रहे हैं हरिद्वार के अंदर कि समय रहते उस भीड़ को भी व्यवस्थित किया जा सकेगा? बिल्कुल, आपको बताना कि मौसम विभाग के द्वारा जो है 8 जिलों में जो एडवाइजरी जारी की है उसको लेकर जिलाधिकारी ने साफ तौर पर निर्देशित किया गया है। जहां पर जल भराव की स्थिति देखी जाती है उसको नगर निगम के अधिकारी और प्रशासन के अधिकारी और आपदा प्रबंधन के अधिकारियों को यहां पर तैनात किया गया है। वहीं एसडीआरएफ की टीमें और एनडीआरएफ की टीमों को भी यहां पर व्यवस्थित रहने के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जब बारिश अगर ज्यादा होती है तो जल भराव की स्थिति होती है, उसके लिए जो है नगर निगम के कर्मचारियों को पहले से ही वहां पर तैनात किया गया है। क्योंकि पिछले दिनों जो बारिश हुई थी उसमें खासा बारिश के कारण जो है हरिद्वार के कई इलाकों में जल भराव की समस्या देखने को मिली थी। इसी के कारण जो है जिलाधिकारी हरिद्वार के द्वारा जो है निरीक्षण भी किया गया था, जहां जहां पर जल भराव की स्थिति होती है उसके लिए पहले ही व्यवस्था कर ली जाए, नालों की सफाई कर ली जाए। और जो हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र में जो नदियों के किनारे जो ग्रामीण स्थानीय निवासी निवास करते हैं उनको भी पहले ही एहतियात बरतने के आदेश दिए गए हैं। अगर बारिश ज्यादा होती है, बाढ़ की स्थिति बनती है, तो पहले ही अलाउंसमेंट के माध्यम से जो है पहले ही उनको दूर रखा जाए। एसडीएम हरिद्वार को आदेश दिया गया है, वहीं एसडीआरएफ की टीमों को वहां पर लगाया गया है जिससे कि कोई घटना सामने ना आए, जिससे कि बाढ़ की स्थिति में जैसे पहले की भांति जो पहले बाढ़ आ जाती थी उसमें कई लोगों को नुकसान होता था, उसके लिए यहां पर व्यवस्था बनाने के लिए जिलाधिकारी ने साफ विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, इन दिशा निर्देशों का पालन भी किस तरीके से होता है ये भी देखना होगा। फिलहाल चमोली से हमारे साथ संदीप कुमार भी जुड़े हुए हैं। चमोली की बात करें, तमाम क्योंकि ऐसे पहाड़ी जिले कहे जाते हैं उसमें चमोली सम्मिलित है, जहां पर संवेदनशील स्थितियां मॉनसून के दौरान रहती है। क्या स्थिति फिलहाल इस शुरुआती मॉनसून के समय में आप देख पा रहे हैं? ये बता दें आपको, जिला प्रशासन होने से भी जो आपदा कंट्रोल रूम को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि लगातार यहाँ पर देर शाम से बारिश हो रही है प्रतिदिन, और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो आधा दर्जन से ज्यादा सड़कें बंद पड़ी हुई है। जो कार्यदायी संस्था है लगातार उनको सड़क मार्ग को बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ पे सड़क पे मलबा आ रहा है उसको हटाया जा रहा है। यहाँ पे लगातार जो प्रशासन है, बीआरओ है, एनएच है, लगातार मुस्तैदी के साथ खड़ा है और वहाँ पे मलबा हटाए जाने का काम कर रहा है। वही चार धाम यात्रा अपने पीक सीजन पे है, तो जो श्रद्धालु आ रहे हैं तो सुरक्षा के उनको जो है सुरक्षित स्थानों पर ही रोका जा रहा है। ठीक है, महावीर भी हमारे साथ मौजूद हैं उत्तरकाशी से। उत्तरकाशी में क्या स्थितियां नजर आ रही हैं, तस्वीर क्या देख पा रहे हैं? क्योंकि कई जगह से उत्तरकाशी में जो भूस्खलन की खबरें हैं वो भी देखी गई है, रास्तों के क्या कुछ हालात बने हुए हैं? उत्तरकाशी अभी एक घंटे पहले जो यहाँ पे बहुत जोरदार बारिश हुई थी, और बारिश होने के कारण जो राष्ट्रीय राजमार्ग था इस समय हीना और मनेरी के बीच में वहाँ पे मलवा आ गया था, और मलवा के कारण थोड़ा मार्ग रुक गया था, यात्रा को थोड़ा रोकना पड़ा था। और अभी जो ग्रिफ बॉर्डर डेवलपमेंट जो सड़क बनाती है यहाँ पे, वो खुद जेसीबी लेके वहां गए और मार्ग को खोल दिया है। मार्ग तो खुल गया है, मगर बरसात का जो मौसम अभी चालू हो रखा है और जो 3 दिन के एडवर्टाइज दे रखी है कि 3 दिन तक लगातार मौसम खराब रहेगा, तो गढ़वाल और कुमाऊं में सबसे ज्यादा रहेगा। उसमें हमारा उत्तरकाशी जो अति संवेदनशील इलाका माना जाता है, यहाँ पे अक्सर क्या होता है गधेरे थोड़ा बढ़ जाते हैं, गधेरे के कारण जो है मलवा आ जाता है, सड़कें थोड़ा बंद हो जाती है। तो भले ही प्रशासन की पूरी टीम लगी हुई है, जो अभी जिलाधिकारी ने जो है पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और जो आपका प्रबंधन टीम हो, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो और आईटीबीपीएस, सभी को सतर्क रहने को कहा गया है कि अगर किसी तरह की कोई घटना होती है तो आप चौकस रहे ताकि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई।
जब तक यहाँ पे अभी यात्रा सीजन है, यात्रा सीजन में अपनी कावड़ जो चल रही है थोड़ा दिक्कत उनको हो रही है, क्योंकि मार्ग में जो हमने सड़कें हैं सड़कों में थोड़ा पानी ज्यादा भरा हो रहा है, जिसके कारण पैदल चलने वालों को थोड़ा दिक्कत हो रही है। बाकी जो मौसम अभी थोड़ा साफ हो गया है, मगर कब मौसम चेंज हो रहा है ये अब पता नहीं लगता है, क्योंकि उत्तरकाशी कुछ अलग अलग एरिया में बारिश होती है, किस एरिया में नहीं होती है। तो अक्सर जब बारिश होती है तो थोड़ा मलबा आने की संभावना होती है, जिसके कारण जो है मार्ग बंद होते हैं। जी विशाखा, ठीक है, यानी कि साफ तौर पर एक तरफ मानसून की दस्तक के साथ ही तमाम जो स्थिति है वो भूस्खलन को लेकर, रास्ते बंद होने को लेकर जगह जगह पर बनी हुई है, वहीं प्रशासन के अपने प्रयास भी दिखाई दे रहे हैं। ज्ञानेंद्र, इस समय मुख्यमंत्री की तरफ से साफ तौर पर आपदा विभाग की, हमने देखा कि कुछ दिनों पहले समीक्षा भी की गई, और उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि सभी अधिकारी 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहे, क्योंकि मानसून शुरू हो चुका है, राज्य में चारधाम यात्रा पहले से जारी है, कांवड़ यात्रा भी शुरू हो चुकी है, तो ऐसे में जो प्रशासनिक अलर्टनेस है वो भी राज्य के अंदर बेहद जरूरी है। बिल्कुल, बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर हम देखें उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थिति है, तकरीबन 9 जिले ऐसे हैं जो पहाड़ी जिले हैं, और ऐसे में अक्सर देखा जाता है भारी बारिश की वजह से जो मलबे हैं और जो भारी मात्रा में जो पानी है, उस जिसकी वजह से सड़कें बाधित होती हैं, सड़कें टूट जाती हैं और मलबा कहीं ना कहीं सड़कों पर आता है, और ऐसे में चारधाम यात्रा के अलावा जो पर्यटन इस वक्त चलता रहता है, चाहे वो नैनीताल हो, औली हो, मसूरी हो, तमाम ऐसे हिल स्टेशन है उत्तराखंड के अंदर, बद्री केदार चारों धामों के अलावा भी, तो भारी संख्या में लोग यहाँ प्रतिदिन आते जाते हैं, और ऐसे में घंटों लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, यातायात बाधित होती है, सड़कें बाधित होती हैं। तो मुख्य रूप से मुख्यमंत्री लगातार इसकी मॉनिटरिंग करते रहते हैं, पिछले दिनों हमने देखा भी था कि किस तरह से आपदा कंट्रोल रूम पहुँच के सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया था, और आपदा कंट्रोल रूम से हर स्थिति का जो कहीं ना कहीं नियंत्रण करने के लिए सभी क्षेत्रों में सभी विभागों को कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन बनाने को लेकर काम किया जाता है, और अक्सर ये कोशिश की जाती है कि किसी भी क्षेत्र में मौसम खराब होने की स्थिति में अगर कहीं सड़कें बाधित हो रही हैं, कोई बड़ी दुर्घटना हो रही है, ऐसी आपदा आ रही है, तो वहाँ तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमों को पहुंचाया जाए, क्योंकि देखा जाता है कि बादल फटने जैसी स्थिति में या फिर लैंडस्लाइड की स्थिति में सड़कें बाधित होती हैं, तो आसपास जो लोग फंसे होते हैं उनको सबसे ज्यादा दिक्कतें होती हैं उनको वहां से निकालने को लेके। ऐसे में तमाम ऐसे विभाग हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो या फिर PWD विभाग हो, इसके अलावा जो तमाम स्थानीय स्तर के जो चीजें खराब होती हैं, देखा जाता है पेयजल व्यवस्थाएं ठप हो जाती हैं, बिजली व्यवस्थाएं ठप हो जाती हैं, सबको दुरुस्त करना एक चुनौती होता है। ऐसे में कम्युनिकेशन सभी विभागों के आपस में होना बहुत आवश्यक है, और आपदा कंट्रोल रूम लगातार इसकी मॉनिटरिंग के जरिए इस पे नजर रखता है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि मौसम विभाग की तरफ से अगर एडवाइजरी मिल रही उस स्थिति में सभी अधिकारियों का मोबाइल ऑन होना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में मोबाइल स्विच ऑफ नहीं होना चाहिए, और तुरंत कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल ना हो पाए मौसम के हालातों के चलते, राज्य के तमाम विभागों में जो समन्वय है वो बेहद बेहतर तरीके से स्थापित हो, ताकि समय रहते जान और माल का जो नुकसान है उसकी आशंकाएं बेहद कम की जा सके। यही ज्ञानेंद्र कहीं ना कहीं सरकार का प्रयास भी है। राजकुमार, इस समय हरिद्वार बेहद हम कह सकते हैं कि आने वाली कांवड़ यात्रा के हिसाब से भी एक बहुत बिजी पूरी तरीके से जिला रहेगा, तमाम यहाँ पर रूट्स को लेकर भी जो तमाम स्थिति है वो तय की गई है, लेकिन बारिश के इन हालातों में जो तस्वीरें इस समय हरिद्वार से सामने आई है वो वाकई में ही जो तमाम नगर निगम है उनकी पोल भी खोल कर रखती है। क्या कुछ इंतजाम यदि बारिश बढ़ती है तो कांवड़ यात्रा संचालित करने में आगे किए जाने चाहिए, ताकि पूरी तरीके से व्यवस्थित कांवड़ यात्रा चल सके? जी बिल्कुल विशाखा, आपको बताना चाहेंगे कि जिलाधिकारी ने बैठक के माध्यम से पिछली बारिश को लेकर भी यहाँ पर बैठक की है। कांवड़ यात्रा जो 3 जुलाई से शुरू होने वाली है, अभी मौसम विभाग के द्वारा जो है 2 जुलाई तक अलर्ट घोषित किया गया है, भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है, उसको देखते हुए जिलाधिकारी ने हरिद्वार ने जो आदेश दिए हैं कि कांवड़ यात्रा में किसी तरह की श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो उसके लिए व्यवस्था की जाए। वहीं बता दें जो जल भराव की स्थिति पैदा होती है उसको लेकर भी नगर निगम के अधिकारियों को यहाँ पर सतर्क रहने के लिए कहा गया है। वहीं आपदा प्रबंधन विभाग को भी यहाँ पर अलर्ट मोड पर रखा गया, जिससे कि सभी अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश दिए हैं कि अपने फोनों को जो है 24 घंटे चालू रखें, जिससे कि बारिश पड़ती है अगर कहीं जल भराव की समस्या होती है तो उसे जल्द से जल्द निजात पाया जा सके। वहीं आपको बता दें कि जो मलबा जो रोड के ऊपर पड़ा था उनको हटाने का काम नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है, वह जिला प्रशासन जो है लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहा है। वही जो कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है
उसको लेकर जो कांवड़ पटरी मार्ग है उसको 30 जून तक जो है व्यवस्थित करने के जो आदेश जिलाधिकारी के द्वारा दिए गए हैं, वहीं बारिश के चलते जो गंगा नदी के किनारे कांवड़ पटरी मार्ग है उसको लेकर भी व्यवस्था करने के यहाँ पर सारे प्रयास नगर निगम के प्रशासन के सरकारों के किए जा रहे हैं। और आप नजर बनाए रखिएगा चारों किस तरीके की स्थिति आगे मॉनसून में रहती है और क्या कुछ इस समय दिक्कतें भी आम लोगों का उनको सामना करना पड़ता है, ये भी जानकारी आपसे लेंगे। लेकिन फिलहाल आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।